मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन पर शासकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का समापन कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष कविता विकास पाठक व विशिष्ट अतिथि पत्रकार सचिन भट्ट, पत्रकार राजीव नेखरा रहे। कार्यक्रम में छात्रावास की छात्राओं के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर नाटक प्रस्तुत किया गया। साथ ही छात्रावास में 7 दिवसीय कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिताओं में जिन छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया उन सभी छात्राओं को नगर परिषद अध्यक्ष कविता पाठक के द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। छात्रावास में पढ़ने वाली सभी छात्राएं 100% रिजल्ट लाई हैं। छात्रावास की अधीक्षिका पुष्पा गुप्ता को जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अधीक्षिका पुष्पा गुप्ता ने छात्रावास के लिए नगर परिषद अध्यक्ष से नल कनेक्शन की मांग की और आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया और उनका स्वागत किया। इसके बाद अंत में नगर परिषद अध्यक्ष कविता पाठक ने अधीक्षिका की तारीफ करते हुए कहा कि छात्रावास की छात्राओं का 100% रिजल्ट आने पर अधीक्षिका पुष्पा गुप्ता बधाई की पात्र हैं और साथ ही साथ छात्रावास में आकर अच्छा लगा और छात्रावास की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अधीक्षक के द्वारा नल कनेक्शन की मांग यहां पर की गई और उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज ये जो कार्यक्रम आपके छात्रावास में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के चलते, क्या कुछ कहना है? वो मेरे यहाँ साप्ताहिक प्रोग्राम चला है स्थापना दिवस का, जिसमें मेरी बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, रस्सी कूद, खेल प्रतियोगिता, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मेरी नगर पालिका अध्यक्ष जो मैं यहाँ पधारी उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे यहाँ आके मेरे छात्रावास का जो समय दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगी और मेरे बच्चों को प्रोत्साहित किया है उन्होंने और छात्रावास के बच्चों को पुरस्कार वितरण किया है, इसके लिए मैं उनका सहदेव से। तो ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के चलते ये कार्यक्रम किया गया है। आज उसका समापन है।